बेगम हजूर की तरफ से खत लाया है ये पैसे। खत? मेरे सरताज तस्लीम, पूरे चार हफ्ते से आप महल से दूर रेगिस्तान में डेरा डाले बैठे हैं और यहाँ अहमद हमारा इकलौता बेटा हरम की रंगीनियों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। इससे पहले कि वो कोई भूल कर बैठे आपका यहाँ पहुंच जाना बहुत जरूरी है। जवानी के जोश ने स्नालय को अंधा बना रखा है। हमारी सवारी का इंतजाम किया जाए फौरन। वो नालायक नाफरमान जो हमारी आबरू को मट्टी में मिलाना चाहता है, जो खानदान के नाम को पट्टा लगाना चाहता है। बोलिए आयता, अहमद नादान है मगर आप तो समझदार है। उस गुस्ताख ने हमारी गैर हाजिरी से नाजायज फायदा उठाया है, आज हम उसको सजा देकर छोड़ेंगे। नहीं नहीं, जवान बेटे पर हाथ उठाना अक्लमंदी नहीं, हमें नरमी से काम लेना पड़ेगा। क्या मतलब? अहमद को चंद रोज के लिए कारोबार के सिलसिले में कहीं दूर भेज दीजिए, इतने में हम उसकी शादी का बंदोबस्त कर लेंगे। और अगर वो शादी के बाद भी न बदला तो? चांद की दुल्हन पाने के बाद क्यों ना बदलेगा। देखिए अपनी होने वाली बहू की तस्वीर, देखिए ये अमीर कासिम की बेटी की तस्वीर है। जी हाँ, अमीर और उनकी बेगम कल सुबह यहाँ आ रहे हैं। अहमद को हमारे आने की खबर दी जाए। अब्बा हजूर की खिदमत में अहमद सलामत करता है। अहमद, हमें यह देखकर अफसोस होता है कि इस बुढ़ापे में भी तुम हमें सुख देने की बजाय दुख दे रहे हो। दुख? मैंने क्या दुख दिया है अब्बा हजूर? आसामियों से लगान वसूल करने के लिए हमें तपते हुए रेगिस्तान में डेरा डाले पूरे चार हफ्ते गुजर गए हैं, मगर तुमने बूढ़े बाप का हाथ बटाने की जरूरत नहीं समझी। क्या यही है तुम्हारा फर्ज? मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं अब्बा हजूर। इस भूल को सुधारने और अपनी शराबत का सबूत देने के लिए तुम्हें आज ही और अभी अभी कयामगाह पर जाना होगा और जो काम हम अधूरा छोड़कर आए हैं उसे पूरा करके वापस आना होगा। आसानी से लगान वसूल करने का काम तुम मुझसे बेटा हजूर के कारिंदे कर सकते हैं, मगर कारिंदों पर निगरानी के लिए तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। जो एक बात और फरमाइए। कयामगा के आस पास वाले कस्बों में जाकर आवारा गर्दी करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। वहां के कावा खाने और होटल शरीफों के लिए बेहद खतरनाक है। अब्बा हजूर के हुक्म की तामील होगी, अहमद दिन ढलने से पहले पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ये है वो जगह जहां अब्बा हजूर ने हमें नजरबंद किया है। खुदा की शान है, मगर यहाँ हमारे दिल बहराने का क्या इंतजाम है? गर्म हवा के ठंडे ठंडे झोंके और रेत का खालता हुआ समंदर, चारों तरफ वीराना, न कोई शमा न कोई परवाना। दिन आहें भरते गुजारी और रातें तारे गिन गिन कर। ठीक है, अब्बा हजूर का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। आसानियां कहाँ है? वो कल सुबह हजूर की खिदमत में हाजिर हो जाएंगी। इस वक्त हमें क्या करना होगा? आराम फरमाइए,
या दिलरुबा से दिल बहलाइए। दिलरुबा कहाँ है? वहां है, लीजिए। हम कुछ और ही समझे थे, हुजूर को गलत समझने की बीमारी है, मगर क्या किया जाए, लाचारी है। शौक फरमाइए। हमारा घोड़ा लाओ। घोड़ा? तो क्या हुजूर वापस जाना चाहते हैं? नहीं, हम पास वाले कस्बे में जा रहे हैं, वहां हमारा एक दोस्त रहता है। कस्बा यहाँ से बहुत दूर है छोटे हुजूर, और आपका वहां जाना मना है। मगर दोस्त के पास जाना मना नहीं। तो फिर चलिए, मैं भी चलता हूँ हुजूर के साथ। नहीं नहीं नहीं, क्या देख रहा हूं तुम? और यहां ये सब अब्बा हजूर की नाजुक खालियां हैं। उन्होंने आमद को रेत फांकने के लिए रेगिस्तान में भेज दिया था, वहां दिल घबराया तो तुम्हारे यहां चलाया। बड़ी खुशी की बात है, कहो तुम्हारी क्या खातिर की जाए। किसी ऐसी जगह ले चलो जहां परियों का मजमा हो, जहां हूरों की महफिल हो। सुना है तुम्हारे यहां के कावा खाने बड़े रंगीन हैं। है तो सही, मगर वहां घटिया किस्म के लोग आते हैं। अगर तुम चाहो तो वो परियां यहां बुलाई जा सकती है। तो फिर इंतजार किस बात का है? तुम बैठो, मैं भी इंतजाम करता हूं। कहाँ ले जाएं दिल दोनों जहां में सख्त मुश्किल है, कहीं परियों का मजमा है, कहीं हूरों की महफिल है। वो तो चली गई, मगर यहाँ दिली गायब है। इस दिल को संभालो दोस्त, सारा शहर उस लड़की का दीवाना है। तो फिर एक दीवाना और सही।
क्या नाम था उस महाजगन का? यास्मीन। यास्मीन बहुत प्यारा नाम है। सच कहता हूं फरीद, कुदरत की कारीगरी का कमाल इससे बेहतर शक्ल में मैंने आज तक नहीं देखा। सुन लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। चलो चल के आराम करो, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। नहीं, मैं वापस जाऊंगा। वापस? और आधी रात को? मजबूरी है, अब्बा हुजूर का हुक्म टल नहीं सकता, क्या समझे। कासिम की बेटी की उम्र क्या है? सुना है अहमद से 3 साल छोटी है नादिरा। माशाल्लाह, जब तो ये जोड़ी खूब रहेगी। तुमने कभी उस लड़की को देखा है? जी नहीं। और आपने? हमने भी नहीं देखा। खैर, अमीर कासिम को आने दो, हम आज ही इस रिश्ते को तय करके छोड़ेंगे। आला हजरत, अमीर कासिम की तरफ से कासिद आया है। कासिद, पेश हो। खादम आदाब अदा लाता है बंदगाने आली, आका इनामदार ने हुजूर की खिदमत में ये खत भेजा है। खत? तो क्या वो खुद तशरीफ नहीं लाए? अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से लंबा सफर करने के काबिल ना थे आका इनामदार। ओ, हमें अपने दोस्त की बीमारी की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। हम परवरदिगार से उनकी सलामती की दुआ मांगेंगे। अब तुम जा सकते हो। अब क्या होगा? इंतजार। जब तक अमीर कासिम अच्छे ना हो जाए, इंतजार करना ही पड़ेगा। है? ये सब लोग क्यों जमा है? ये लोग हुजूर को सलाम करने आए हैं और लगान की रकम अदा करने। हम इनका सलाम कबूल फरमाते हैं और लगान की रकम माफ करते हैं। घोड़ा? घोड़ा यानी कि आज फिर तुम बेहद गुस्सा हो। हम अब्बा हुजूर से तुम्हारी शिकायत करेंगे। छोटे हुजूर ने तो लगान माफ कर दिया, मगर बड़े हुजूर हमारे गले में फांसी का बंदा डालकर छोड़ेंगे। समझे? समझा समझा। जाओ जाओ जाओ। अरे भाई जाओ ना। ओ, जाओ। मैं इधर हूँ।
मैं इधर हूँ। मैं पास में बैठा हूँ और मैं कदमों में पड़ा हूँ। भर भर के जाम पिला दे, भर भर के जाम पिला दे, ताकि बना दे मतवाला, बना दे मतवाला, बना दे मतवाला। Bana de matwala,
कुदरत के हसीन शाहकार, मैं तुम्हारे कमाल की दाद देता हूँ। क्या मैं तन्हाई में तुमसे दो बातें कर सकता हूँ? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर जल्दी न कह सकूंगा। रेगिस्तान की हो तुम, मोहब्बत बनकर मेरे दिल और दिमाग पर छा गई हो, और तुम प्यार बनकर मेरे होंठों पर मुस्कुरा रहे हो। ये मेरी खुशकिस्मती है। निशानी के तौर पर ये अंगूठी मैं तुम्हारी नजर करता हूँ। मैं इस निशानी को मोहब्बत का तोहफा समझकर कबूल करती हूँ। कोई ऐसी सूरत बता जो मैं दिल खोलकर तुमसे बातें कर सकूं। राजन्यास की बातें, शहर से दूर पुराने खंडरात के पास हमारा डेरा है। अगर तुम चाहो तो मैं खंडरात में तुमसे मिल सकती हूँ। ठीक है, कल रात वहीं मुलाकात होगी। वो जरूरी ढूंढ रहे हैं, मैं जाती हूँ। भारत याद रहेगा। मैं नहीं सुन सकती। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Thank you.
नजरों से नजर एक भेद कहे, दिल दिल से कहे एक अफसाना है अफसाना। रंगीन सजा चाहे तो जरा वादे के कोई आए तो जरा, रंगीन सजा चाहे तो जरा वादे के कोई आए तो जरा, ऐ जोश बता दिल तेज है क्या, जोश वफा दिल तेज है क्या, हम जान भी दे दें नजराना है नजराना। बेचैन नजर बेताब जिगर ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना आना। तीन पटाखा इल बिल पांख, मारू घूसा फोड़ू आंख, करके जादू फेंकू छक्का, सबको कर दू हक्का बक्का छक्का। अल्लाह मैं गिर गया, मैं गिर गया। शैतान, किसके हुक्म से तूने पांसे को छोड़ा है? जी अगर किसी का हुक्म नहीं चलता मैं जीत गाऊ, माल ढीला करो। माल ढीला करने से पहले मैं तेरी खोपड़ी ढीली करता हूँ बच्चू। तुम लोग यहाँ हमारा इंतजार करो, हम खंडरात में जा रहे हैं। यास्मीन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दिल कहता था तुम जरूर आओगी। मेरी महबूबा, तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। इस इंतजार में भी एक लज्जत पाई है मैंने। सच जी चाहता है तुम्हें अपनी बाहों में समझकर मोहब्बत की दुनिया में खो जाऊं। जी चाहता है उस मोहब्बत की दुनिया में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई ना हो।
से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें पाया है, कुछ होश नहीं मुझको, एक नशा सा छाया है। अब बात जो कहनी हो नजरों से अदा करना, आँखों में समा जाओ इस दिल में रहा करना। मोहब्बत की यही ना गुजर जाए, काश धड़कता दिल कुछ देर ठहर जाए, ये रात मोहब्बत की यही ना गुजर जाए। बाकी है अभी तुम पर ये जान फिदा करना, आँखों में समा जाओ इस दिल में रहा करना। किस्मत ना दिखाए अब घड़ियां हमें फुर्सत की, हर रात यूं ही चमके तकदीर मोहब्बत की। किस्मत न दिखाए अब घड़ियां हमें फुर्सत की, हर रात यूं ही चमके तकदीर मोहब्बत की। ऐ चांद सितारों तू मिलजुल के दुआ करना, आँखों में समा जाओ इस दिल में रहा करना, आँखों में समा जाओ। सरदार, सरदार, क्या मुसीबत है? यहाँ तुम अपने हाल में मत सो, वहाँ तुम्हारी लाडली रात भर अपने खेमे से गायब रही है। क्या बकता? बकता नहीं, सच फरमाता हूँ, किसी चाहने वाले के चक्कर में पड़ गई है तुम्हारी बुलबुल। गलत है, बिल्कुल झूठ। रात कहाँ दूर है, अपनी आँखों से देख लेना। सुन लिया है, देख लूंगा। यासमीन, मेरी जिंदगी, मेरी तमन्ना, मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया, पूरे 15 दिन से जन्नत की सैर कर रही, तुमने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदल डाला है। फिर भी मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सका, आखिर तुम कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लेती रहोगी यासमीन? मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रही, बल्कि अपने इरादे को मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। औरत का दिल बहुत कमजोर होता है अमित। मोहब्बत की मंजिल को तय करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है यासमीन। क्या तुम मेरे साथ ना चलोगी? जरूर चलूंगी, मगर कुछ दिन बाद। और तुम्हें प्यार से हिंडोले मिल फिलोरिया दिख रहा हूँ। आज किस्मत मेहरबान नजर आती है, दिल में मचलते हुए अरमान तुम पर कुर्बान होने के लिए बेताब हो रहे हैं। आओ मेरे सीने पे अपना सर रख दो। क्या हुआ? तुम मेरे सच्ची बाजी प्यार की बातों से जीतना चाहते हो या क्या? मतलब
मेरे भोले सिपाही, मोहब्बत के मैदान में जब मैंने अपनी हार ही मान ली तो इस पिस्तौल का क्या काम? ओ, मैं सिपाही नहीं, आशिक का दिल रखता हूँ अपने सीने में। ये रहा पिस्तौल। अब ये बताओ, इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? अंजाम? क्या मतलब? मतलब ये कि तकदीर मेहरबान है, तुम भी मेहरबान होकर घोड़े पर सवार हो जाओ। सूरज की आंख खुलने से पहले मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाऊंगा। नई दुनिया? कैसी है वो दुनिया? इस दुनिया से ज्यादा हसीन, यहाँ से बढ़कर रंगीन, दिन भी जवान, रातें भी जवान। खतरा कौन कौन है यहाँ? मेरे काम में छोटा नहीं। रात के सन्नाटे में यहाँ कौन आएगा? बैठ जाओ, आज मैं तुम्हारे पहलू में बैठकर चांद की हकीकत और उसके लंबे सफर का राज समझना चाहती हूँ। पकड़ बदमाश को, भागने न पाए। अब बचकर कहाँ जाएगा? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ले चलो इस कंबख्त को अंदर और बांध दो मुझके, आज मैं इसकी लाश की भी कीमत वसूल करके छोड़ूंगा। शर्म कही थी, नाक कटवाना चाहती है मेरी। चल अंदर, मुझसे पूछे बगैर खेमे से बाहर कदम रखा तो पैर तोड़ दूंगा तेरे। चल, बहादुर नौजवान के मिजाज दुरुस्त हुए या नहीं? बहुत घमंड था अपने बाजुओं पर तुम्हें। अब तुम्हारी सूरत देखने के लिए तुम्हारे बाप दादा को 1000 दीनार अदा करने आएंगे। पता बताओ फौरन। नहीं बताऊंगा। यास्मीन के साथ क्या सलूक तुम लोगों ने? यास्मीन? बेवकूफ नौजवान, तू ये समझता है कि वो तुझसे मोहब्बत करती है? यास्मीन तुझ जैसे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी चाल है और उसकी झूठी मोहब्बत एक हसीन धोखा। वो अपनी दिल फरेब जवानी का फरेब देकर कितने ही नौजवानों को इन खंडरात में लाई और मैंने उन्हें जमीन में दफन कर डाला। लानत है तुझ पर और तेरी जात पर। तेरी ये हिम्मत, ये मजाल, अभी करता हूं ठीक। ठहरो जी, पहले मैं इसकी बुनियादें ढीली कर लूं। अगर मैंने तेरी खाल ना उधेड़ डाली तो जाफर नाम नहीं मेरा।
अब भी अपने बाप का नाम बताया गया या नहीं? नहीं नहीं। नाम मुझे दो, देखता हूँ कैसे नहीं बताता। हेरो जी, पहले मैं इसकी डिमरीज टेस्ट कर दूं। इतना मारो, इतना मारो कि ये बदमाश यास्मीन का नाम तक भूल जाए। ऐसा ही होगा। तैयार हो जा बच्चू, अब मैं तुझसे निपटने वाला हूँ। जा तुम उस तरफ बैठो जाकर। हिरनी शेर के पंजे से निकलकर भागना चाहती थी, हैं? बिल्कुल कमीनी, मुझे हाथ में लगाना, चला जाए यहाँ से। चला जाऊं? मगर ये बताकर जाऊंगा कि तेरे आशिक के तमाम कलपुर्जे ढीले कर दिए हैं मैंने। मुझे खुशी होती कि तू उसके तड़पने का तमाशा अपनी आंखों से देखती। कंचन के लाज, तू इंसान ही शैतान है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है, क्या थी? बेहोश छोड़ गया है, पड़ा रहने दो इसी हालत में। चलो वापस, कल सुबह देखा जाएगा। अबे तू कहाँ जाता है? यहाँ पैरा तुम्हारा बाप देगा, मगर मेरी रखवाली कौन करेगा? बैठ जी, इधर की औसात, बैठ यहाँ सीधी तरह। चलो जी, हर कोई मुझे पे हुक्म चलाता है जैसे मैं इनके बाप का नाम करूं। चला रंजू कहीं के परेशान करता है इसे? परेशान नहीं करता, अपना हक मांग रहा हूं। तुमने यास्मीन के साथ मेरी शादी करने का वादा किया था। हाँ हाँ, याद है वादा। जा काम कर अपना, जब देखो टाल देते हो, जब देखो टाल देते हो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे वादों से। नाक में दम है तेरे हाथों। चल अंदर। क्या मुसीबत, बाप रे बाप, अब कहाँ भागते हो बच्चू? बच्चू नहीं, सात बच्चों का बाप हो बच्चू, और मैं तेरे बाप का बाप हूँ बच्चू। जमाल दादा हुजूर, अरे का दादा हुजूर, ये तो दादा हुजूर, अरे घर दादा हुजूर, इस पोते को कहाँ चोट चले? अरे जमालू, अबे कमालू। अब्बा हजूर को मेरी हालत से खबर न होने पाए, इसलिए मुझे मेरे दोस्त फरीद के पास ले चलो। ऊपर गगन विशाल,
पीछे करा पाता बीच में लटके टेंगू मालिक तूने किया कमा कोई आवरे कोई आवरे रात भर भूखा है ये क्या हुआ रस्सियां कटी हुई है और शिकार गायब बिल्ली खा गई है बिल्ली क्यों बे ये दरख्त पर चढ़ा हुआ क्या कर रहा है पहरा दे रहा हूँ चमगादड़ की औलाद ये पहरा देने की जगह है और नहीं तो क्या आराम फरमाने की जगह है मुंह क्या दिखते हो उतारो मुझे नीचे उतारो बता कहाँ गया हमारा शिकार शिकार ओंछू हो गया अच्छा तो अब मैं तुझे भी उड़नछू करता हूँ मेरा हाथ ठहर जा बच्चू कहाँ भाग जब दर्द से बेकल होता था रो रो के ये मजनू कहता था दुनिया की हर एक शय को यारब लैला कर दे महमिल कर दे सोए हुजूर वाला देख लिया मोहब्बत करने का अंजाम मैं नहीं जानता था कि वो खूबसूरत बनारस के भीष्म एक जहरीली नागन है और तुम उस नागन को अपने गले का हार बनाना चाहते कसम है मुझे अपने खानदान की अजमत की मैं उस तगाबाज़ से जरूर इंतकाम लेकर छोड़ूंगा दूर मेरी निगाह
मना रही है, क्या मौत पड़ी है तुझे? ना कोई काम ना धंधा, कल से अगर तूने अपना ध्यान ना बदला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चल अंदर। बदतमीज कहीं की। रात में होश में आ, अगर तू अपने महबूब के लिए बेचैन है तो हिम्मत से काम ले, उसे शहर में ढूंढ, बाजारों में ढूंढ, गली कूचों में ढूंढ, तलाश करने वाला खुदा को भी पा लेता है। पूरे 10 दिन से तुम उस दगाबाज औरत के इंतजार में बैठे हो, आखिर अब तुम्हारा इरादा क्या है? इंतकाम। 10 दिन तो क्या, 10 साल तक भी मेरे सीने में सुलगते ही इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो सकती। बदले का ख्याल दिल से निकाल दो अहमद, बहादुर की शान इसी में है कि वो अपने गुस्से को मार दे। इन जख्मों को देखो जो तहते हुए अंगारे बनकर मेरे सीने को जला रहे हैं। मैं उस मक्कार औरत का खूबसूरत चेहरा दागदार बनाकर छोड़ूंगा। मगर इसका अंजाम भी सोच लो, अगर हुजूर शेख को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मैं उस कयामत से नहीं डरता, अब दुनिया की कोई ताकत मेरे इरादे को नहीं बदल सकती। Oh,
को ढूंढता है, अंधे को ढूंढते हैं, भटके हुए मुसाफिर मंजिल को ढूंढते हैं, मंजिल को ढूंढते हैं। चाहता है दगाबा दौलत का खात्मा कर डाले। जमाल इंतकाम सिर्फ अहमद ही ले सकता है। ओहो तू अभी तक सर थामे बैठी है? जल्दी से तैयार हो जा, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। करने दो, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? तेरे बाप को भी नाचना पड़ेगा। सोचने की तरह जाएगा या नहीं? ओ, इतनी हिम्मत हो गई है तुझमें, बहुत अच्छा। यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं और वहां तुम्हारी लाडली की बैठी है। बिखरी बैठी है, अभी करता हूं ठीक। यासीन, तू रो रही है, क्या हुआ है तुझे? अपनी किस्मत को रो रही हूं, उस मुकद्दर को रो रही हूं जो बनने से पहले ही बिगड़ गया। मुझे जान से मार डालो बाबा, मगर मैं जाकर तो शादी ना करूंगी। तो फिर किससे करना चाहती है शादी? यास्मीन, तू अमीरों के हाथ कंडों को नहीं जानती। ये लोग दिल की प्यास बुझाने के लिए झूठी मोहब्बत का जाल बिछाते हैं बेटा। नहीं, तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। क्या तुम अपनी बच्ची की आरजू पूरी नहीं कर सकते बाबा? जरूर कर सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। शर्त? शर्त क्या है वो शर्त? जब तक तेरी शादी नहीं होती, तुझे दिल लगाकर नाचना और गाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाई जाए और तेरी शादी धूमधाम से रचाई जाए। बाबा, मैं आज के नाच और गाने को एक यादगार बनाकर छोड़ूंगी। शाबाश, तो फिर जल्दी से तैयार हो जा बेटा, लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। दिमाग दुरुस्त हुआ या नहीं? सब ठीक कर दिया है। अगर वो नौजवान यहाँ दाखिल होने की कोशिश करे, उसे खत्म कर दिया जाए। इन फौलादी हाथों में शेर के पंजे से ज्यादा ताकत है।
तुझसे तड़पने का मजा भी, इकरार दिएगा कभी इनकार दिएगा, हंसते हंसी में से नजर गार दिएगा, जो भी करे प्यार उसे प्यार दिएगा, हंसते हंसी में से नजर गार दिएगा, जो भी करे प्यार उसे प्यार दिएगा। अंदर जाता है तुम नहीं, मेरा इंतजार करो। जानबूझ के खतरा मोल न लीजिए छोटे हजूर। खामोश है और बांध जाऊं तेरी नदाओं पर, जी चाहता है कि छुरी मार लूं अपने सीने में। ये हार लेगी? जरूर लेगी, इन्हें अपनी खुशी पूरी कर लेने दो बेटा। तुम्हारे बाबा ने हमारी सिफारिश कर दी है इजाजत, हमने तुझे औरत से परी बना डाला है, अब तुझे सीने से लगाने को जी चाहता है। अहमद, मैं हुस्न देखने वाली रकासा, क्या यही है तेरी औकात? उफ मेरा गुस्सा, कौन है ये बदतमीज? पकड़ लो बदमाश को। मैंने रोकने की कोशिश करता। पकड़ लो तुम मुझे कहाँ ले आए हैं? मैं ये कौन सी जगह है? बस मजमायाम में हुस्न की नुमाइश करने वाली आवारा रखाता, नाच नहीं है तो मेरे सामने नाच, ताकि मैं तेरी फरेब देने वाली अदाओं की ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा कर सकूं। मालूम होता है तुम किसी गलत फहमी में पड़ गए हो, खुदा के लिए मुझे इस नफरत की वजह बताओ। मेरे करीब आने की कोशिश की तो मेरा गुस्सा कहर बनकर टूट पड़ेगा तुझ पर। मैं बेकसूर हूँ अहमद, मेरी मोहब्बत को गलत मत समझो। खामोश, मोहब्बत के नाम को बदनाम करने वाली जलील औरत, मैं तेरे छल फरेब को खूब समझता हूँ। तू क्या है, इराज़ जाहिर हो चुका है मुझ पर। भोले भाले इंसानों को अपनी जुल्फों के जाल में फांस कर पुराने खंडात में बुलाना और झूठी मोहब्बत जिताकर लूटमार करना ही तेरा पेशा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है अहमद। एक आवारा और जंगली और सच्ची मोहब्बत को क्या समझे? मुझसे पहले कितनों को तबाह किया है, किस किस का गला खोटा है, किस किस की खाल उतारी है, बता। मैं धोखेबाज नहीं, तुम्हारे सर की कसम मैं धोखेबाज नहीं। ये तेरा नापाक हुस्न, अगर मैंने हड्डियों का ढांचा ना बना दिया तो अहमद नाम नहीं मेरा। कसम है मुझे अपने बाजुओं की ताकत की, मैं तुझे चुटकियों में मसल सकता हूँ। अहमद क्या है और अहमद का गुस्सा क्या, ये तो जिंदगी भर न भूल सकेगी। इतनी नफरत थी तो मुझे यहाँ किस लिए लाए हो?
इन रिश्ते हुए जख्मों पर इंतकाम का मरहम लगाने के लिए। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये मेरे खानदान का असूल है। जिस तरह मेरे सीने की खाल उधेड़ी गई है, उसी तरह तेरे नाजुक बदन पर मेरे हंटर के निशान कयामत तक बाकी रहेंगे। अलग हाथ अंजल इंसान, मैं नहीं जानती थी तू इंसान के भेस में खुली दरिंदा है। खुली दरिंदा। मजबूल के तू इस वक्त शहजादा अहमद के खेमे में कैद है। अब तू यहां से भाग नहीं सकती और ना ही तेरे हमारे में इतना कदबल है कि वो तुझे मेरे कब्जे से छीन कर ले जाए। तुझे मेरी हालत पर रहम क्यों नहीं आता? याचक, एक मजबूर के आंसू तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। हवा से हिलती हुई गुलाब की पंखड़ियों की तरह उससे में कांपते हुए हों कितने खूबसूरत मालूम होते हैं, मगर अब तेरा जादू नहीं चल सकता, इसलिए कि तू बेवफा है। खबरदार, तू यहां से भागने की कोशिश की। आखिर ये सब क्या है? ये औरत कौन है और छोटे हुजूर इसे यहाँ क्यों उठा लाए? तू अभी बच्चा है और ये है दिलवालों की बातें। जा रोजा लंबी तान का। अगर हुजूर शेख को मालूम हो गया तो गोली से उड़ा देंगे तुम दोनों को। अबे तो खाने की औलाद सोने भी देगा। हमारी मोहब्बत कामयाब हो इस बात की दुआ मांगो। हमारी दुनिया आबाद हो इस बात की दुआ मांगो। इस रात की कभी सुबह ना हो इस बात की दुआ मांगो। हम मरकर भी जुदा ना हो इस बात की दुआ मांगो। यास्मीन तो जिससे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी जाल है। यास्मीन तो जिससे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी जाल है। यास्मीन तो जैसे भोले शिकार को फांसने के लिए हमारे पास एक सुनहरी जाल है। बहुत गुस्ताख हो गया है तुम्हारा अहमद। हमने जिस काम के लिए भेजा था उसे अधूरा छोड़कर पास वाले कस्बे में पूरे दस दिन से डेरा डाले बैठा है और हमने उसे खास तौर पर मना किया। हो सकता है ये खबर गलत हो। अहमद आपके हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकता। तो माँ हो और ममता से मजबूर होकर उसकी हरकतों पर पर्दा डालना चाहती हो, मगर हम उस नालायक को जरूर सजा देंगे। और अगर ये खबर झूठी हुई तो हम उसे अपने सीने से लगाकर प्यार भी कर सकते हैं। अहमद हमें कितना प्यारा है ये तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा। हम उसकी बीमारी पर रात रात भर परवरदिगार से उसकी सलामती की दुआएं मांगा करते थे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी पर उतर आए। अला हजरत, छोटे हुजूर के खेमे से एक कासिद आया है और एक जरूरी खबर लाया है। पेश हो। सलाम अखबार बंदगाने आली पाइंदा बार बार गाहे हजमत पनाही गुलाम खिदमत अकदस में सलाम पेश करता है। अहमद कहाँ है, क्या कर रहा है और किस हाल में है बताओ। छोटे हजूर पूरे दस दिन के बाद कर रात अपने खेमे में तशरीफ लाए हैं। सुन लिया जुबैदा, देख ली उस नालायक की हरकत। आगे बोलो आगे बोलो।
जुबान जेब नहीं देती आला हजरत, गुलाम छोटे हजूर की शिकायत करने की जरूरत नहीं कर सकता। हमारे हुक्म की तामील हो, साफ साफ बताओ। छोटे हजूर एक रकासा को जबरदस्ती अपने खेमे में उठा लाए। क्या कहा? वो नाहंगार इस कदर खुदसर हो गया, वो नाफरमान इतना बागी हो गया है हमसे। जुबैदा, अहमद ने हमारे गुस्से को ललकारा है, हम उस गुस्ताख को कड़ी से कड़ी सजा देकर छोड़ेंगे। नहीं नहीं, इस कदर गुस्से में आने की जरूरत नहीं। सोच समझ कर कदम उठाना होगा मेरे सरकार। जवान बेटे की बगावत और इस रात को समझने की जरूरत है। देखा जाएगा, हमारे बाजू अभी इतने कमजोर नहीं हुए, हम बगावत करने वाले का सर कुचल दिया करते हैं। घोड़ा तैयार करो फौरन, आज मोहब्बत और फर्ज की पहली जंग है, हमारी कामयाबी की दुआ करना। फी अमान अल्लाह। का हुआ दिखाई देता है, तनी हुई गर्दन में लोश नजर आती है, मगर याद रख, न तेरे आंसुओं का मुझ पर कोई असर होगा और न तेरी फरियाद का। मैं समझती थी तेरे पास मोहब्बत से भरा हुआ दिल है,
पत्थर का बना हुआ इंसान है साले। बेवकूफ औरत, मोहब्बत में फरेब खाया हुआ दिल पत्थर नहीं फौलाद बन जाता है। अब तेरा कोई हरबा कामयाब नहीं हो सकता। मैंने मिन्नतें की, आहुजारी की, तेरे पांव पर सर रखने को तैयार हो गई, मगर तेरे दिल में सोया हुआ रहम नहीं जागा। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, नफरत, नफरत, नफरत। आज पहली बार सच बोला है तूने। जान से मार डालेंगी। आखिर सपने अपने रंग पर आकर रही, मगर तेरी नाजुक कलाइयों में इतनी ताकत नहीं कि तू अहमद को हलाक कर सके। खुदा का कहर क्यों नहीं दूर पड़ता तुझ पर? छोटे हजूर, छोटे हजूर वो आ गए। कौन? कहाँ है वो नाफरमान, वो जिद्दी छोकरा जो हमारी ताजीम के लिए पेश होना भी अपनी शान के खिलाफ समझता है? आला हजरत अब्बा हजूर की खिदमत में इसाबतमंद बेटा सलामत करता है। अहमद, तुमने हमारे हुक्म के खिलाफ पूरे 10 दिन तक खेमे से गैर हाजिर रहने की जुर्रत की है, हमें इसकी वजह बताओ। मैं बीमार था अब्बा हजूर, इसलिए पास वाले कस्बे में अपने एक दोस्त के घर इलाज की गरज से चला गया था। अगर तुम बीमार थे तो हमें खबर क्यों नहीं दी, महल में वापस क्यों नहीं आए? मैं अब्बा हजूर को अपनी बीमारी की खबर देकर परेशान नहीं करना चाहता था, और ना ही इतना लंबा सफर करने की ताकत थी मुझमें। ताज्जुब है तुम नहीं आ सकते थे, मगर हम तो आ सकते थे तुम्हारे पास। क्या तकलीफ थी बताओ? सीने में दर्द था, मगर आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छा हूँ। हम हकीकत को समझना चाहते हैं, तुम्हें साफ साफ बताना होगा। मैंने बिल्कुल सच अर्ज किया है कबला, अहमद अब्बा हजूर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे तू कान लगाया क्या सुन रही है? चल एक तरफ। हाय, ये आवाज कैसी, कौन है इस खैमे में? आला हजरत और बंदे के सिवा ये तोता, तोते की आवाज से अब्बा हजूर। ओ, तो ये तोता चीखता भी है? अफ्रीका का तोता चीखता ज्यादा और बोलता कम है। तेरा सत्यानाश, मांस नोच लिया है मेरा। मैं जंगली बिल्ली हूँ, मुंह नोच लेंगी तेरा। अब किसकी आवाज थी? तोता कमक खापी का शोर मचा रहा है। तोता, रख दे इसे। नहीं, मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो अहमद, तुम इस खेमे में एक रकासा को जबरदस्ती उठा लाए हो। क्यों लाए हो इसे, किसके हुक्म से लाए हो, जवाब दो। ये मेरा जाती मामला है अब्बा हजूर, मेहरबानी फरमा कर इसमें दखल देने की कोशिश न कीजिए। जरूर देंगे दखल, इस नाचने वाली के साथ तुम्हारा क्या वास्ता है बताओ। अहमद को गुस्ताखी पर मजबूर न कीजिए, मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? गुस्ताख छोकरे, तू अपने बाप से बराबर पर तुला है, तुझे बताना ही पड़ेगा, हम पूछ कर ही छोड़ेंगे। जरा छानबीन करने से मेरा खून जोश में आ जाएगा अब्बा हजूर। तेरी रगों का खून हमारे खून से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता, हम गुस्से में शेर की हड्डियां भी चूर चूर कर दिया करते हैं। खुदा रहा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं इल्तिजा करता हूँ। तू इस कदर गुस्ताख है ये हमें मालूम ना था? जिन हाथों ने हमेशा तेरी सलामती की दुआएं मांगी हैं, वही हाथ तेरा गला भी घोट सकते हैं। अब्बा हजूर, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिल सकता है? मैं इस औरत को मोहब्बत के गरज से इस खैमे में नहीं लाया, बल्कि इससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये आप ही का पढ़ाया हुआ सबक है अब्बा हजूर। जख्मों को देखिए, हैं ये हम क्या देख रहे हैं? ये निशान तुम्हारे जिस्म पर किसने डाले, किसने दी है तुम्हें इतनी कड़ी सजा? इसकी जिम्मेदार यही मक्कार औरत है, मगर मैं इसके चेहरे पर इससे गहरे निशान डालकर छोड़ूंगा। औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ है बेटा, इंतकाम ही लेना है तो इसके हिमायती हो जाकर, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अब्बा हजूर, आपने मेरे इरादे को और भी मजबूत कर डाला है, मैं आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर इस औरत को वापस भेज दो फौरन। अब्बा हजूर का हुक्म सर आंखों पर, आप वापस तशरीफ ले जाइए, मैं इस औरत को भेज कर शाम से पहले पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। शाबाश, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी अहमद कि हम तुम्हारी शादी का इंतजाम कर रहे हैं। शुक्रिया, मगर ज्यादा खुशी मुझे उस वक्त होगी जब अब्बा हजूर मुझे मेरी मनपसंद दुल्हन अता फरमाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज़। बाल बच गए, वरना हुजूर शेख
बिखरे हुए शेर की तरह हमलावर हुए थे छोटे हुजूर पर। ठीक है, शेर वापस चला गया है और अब तुम्हारे छोटे हुजूर भी वापस जा रहे हैं। आए, इंतकाम की आग ठंडी हो गई। औरत से इंतकाम लेना हमारी शान के खिलाफ है। ऐ खुदा, मुझे ताकत दे कि मैं अहमद की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंक दूं। मैं उसे अपने ख्यालों से दूर कर दूं। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं। मुफ्त हुए बदनाम सितमगर तेरे लिए। दुनिया में हर फसाद की जड़ है औरत की जात। छोटे हुजूर, ठीक है, मेरे जाने के बाद तुम्हें यास्मीन को वापस छोड़कर आना होगा और ये अशरफियां भी उसके हवाले कर देना। अशरफियां? घोड़ा तैयार करो जाकर, मैं शाम से पहले पहले अब्बा हुजूर की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। शाहजादा अहमद इस कमीज को छोड़कर कूच फरमा रहे हैं। इस मिचरमा के बारे में क्या हुक्म है? हमने तुझे माफ कर दिया है। अपनी खूबसूरती का शुक्रिया बजाला जो हमें सजा देने से रोक रही है। खुदा का शुक्र है तुम्हें मुझ पर रहम तो आया, मगर तुम मुझे इस गुनाह की दुनिया में वापस क्यों देखना चाहते हो? तेरे लिए वही जहन्नम ठीक है। गंदे पानी की मछली गंदे पानी में ही जिंदा रह सकती है। नहीं, अब मैं वापस न जाऊंगी। मुझे अपने पास से जुदा न करो अहमद। जो आंसू आंख से टपक जाए उसकी कीमत नहीं रहती। तो मेरी नजरों से गिर चुकी है। याद रखो, मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। नजदीक रहकर एक न एक दिन मैं तुम्हारी नफरत को बदल सकती हूँ, तुम्हारे शक को दूर कर सकती हूँ। फिर तुम्हें रहम आ जाएगा मुझ पर पहले की तरह। फिर तुम मुझ पर एतबार करना सीख जाओगे। नागन पर एतबार करने वाला नागन की फितरत को नहीं बदल सकता। तेरे दांतों में अभी तक जहर बाकी है। अहमद, अगर तुमने कभी हकीकत को समझने की कोशिश की होती तो ये इल्जाम न लगा के मुझ पर। मैं इन बदमाशों की रोजी का वसीला थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार देखकर उन्होंने तुम्हारे कानों में जहर भर दिया है। शायद फरेब देकर फरेब देने की कोशिश न कर। अहमद अब किसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। तुमने औरत को गलत समझा है अहमद। औरत वफादारी के जोश में अपनी जान पर खेल जाती है। मोहब्बत का सहारा लेकर औरत समुंदर को पार कर सकती है, और यही सोचकर मैंने तुम्हारा दामन पकड़ा था। शुक्र है तेरे मनहूस हाथों से मेरा दामन छूट गया। अब तुझे वापस जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे दिल को ठेस न लगाओ अहमद। जो बोया है तुझे वही काटना होगा। तो आसमान के दिल का गुबार और जमीन की पीठ का बोझ है। Oh,
नमक हराम, मेरे मालिक को बददुआएं दे रही है। चलो हमने तुझे आजाद कर दिया है। मेरे पर नोच कर मुझे आजाद करने वालों, खुदा के कहर से डरो। तकदीर का एहसान मान जो तुझे सही सलामत वापस जाने की इजाजत मिल गई है, वरना इसी रेगिस्तान में तेरे पुर्जे बिखर गए होते। ले अशरफियां, छोटे हुजूर ने तेरे फरेब की कीमत भी अदा कर दी है। मैं थूकती हूं अशरफियां, गोया कि मैं रख लूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए गधे की सवारी का इंतजाम करके आता हूँ। गधे की। परवरदिगार, क्या सच्ची मोहब्बत का यही अंजाम है? वो लाख बदल जाए मगर मेरा दिल उसकी याद में हमेशा तड़पता रहे। मेरी अंगूठी। अरे ओ छिपकली, कहाँ छिप गई तू? लो मैं इधर ढूंढता फिरता हूँ और ये कुर्सी के नीचे घुसने की कोशिश कर रही है। चल उठ। ठहरो, मुझे अपनी अंगूठी ढूंढ लेने दो पहले। नगीने की जगह उसमें दिल जड़ा हुआ है मेरा। बड़ी आई दिल वाली कहीं से। चल उठ। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चल। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। चल बैठ जा सीधी तरह गधे पर। चल। अम्मा हजूर की खिदमत में हमें सलामत करता है। अहमद, मेरे लाडले, मेरी आंखों के नूर। तुम आ गए बेटा, बहुत अच्छा। हम तुम्हारी सआदत मंदी और शराफत पर नाज करते हैं। नाज करते हैं तो चांदी दुल्हन भी दीजिए मेरे बेटे को। जी नहीं, मैं शादी ना करूंगा। क्यों, हमारी खुशी पूरी ना करोगे? इस काम का अंजाम अच्छा ना, उसे करने से फायदा है। इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। जख्म दिल पर मरहम लगाने के वक्त इंशाल्लाह अहमद को नादरा जरूर पसंद आए। आला हजरत, अमीर कासिम और उनकी बेगम तशरीफ लाए। आ गए अमीर कासिम, बहुत मुनासिब वक्त पर आए। मैं चौदह का चांद डाल रही हूँ तुम्हारी झोली में। हम तुम्हारी शादी अमीर कासिम की लड़की से तय करने लगे हैं बेटा। अम्मा हजूर, क्या जरूरी है कि सब शादी का जिक्र ही छेड़ा जाए? अगर आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह किस तरह मुमकिन है? तुम्हें हमारी खुशी पूरी करनी ही पड़ेगी। अम्मा हजूर, याद रखो, मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। मेरे जाने के बाद तुम जरूर पछताओगे। हम अपने दोस्त की सलामती के लिए दिन रात परवरदिगार से दुआएं मांगा करते। तशरीफ रखिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप अच्छे हो गए। ये हुजूर शेख की दुआओं का असर है। हम इसे अल्लाह ताला की रहमत समझते हैं। बहुत दिनों से एक चीज मांगने को जी चाह रहा था, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि दामन आपके सामने फैलाया जाए या मोहतरमा भाभी साहबा के हुजूर में। शर्मिंदा न कीजिए, गुलाम की तो हर चीज आपकी बख्शी हुई है। ये आपकी जरा नवाजी। दरअसल हम अहमद के लिए नादरा का रिश्ता चाहते। नादरा भी हुजूर की कनीज है, इनकार करने की जरूरत कौन कर सकता है? तो फिर हम क्या समझें? नादरा पर जितना हक हमारा है उतना ही आपका भी है। अगर अहमद को नादिरा पसंद है तो ये रिश्ता मुबारक हो।
अहमद हमारे इंतखाब पर फूला न समाएगा। उठो बेगम, खुशी के शादियाने बजाओ, शानदार जश्न का इंतजाम करो। तुम्हारे अहमद की सगाई धूमधाम से मनाई जाएगी। मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मिठाई खिलाओ, शरबत पिलाओ, या सूखी मुबारक देकर ही टाल दो। अभी लाती हूं। ठहरिए अम्मी हजूर। अहमद आओ बेटा, जरा जान को आदाब बजा लाओ। आदाब पेश करता हूं तबला। जीते रहो बेटा। जो सौदा हो रहा है उसके बारे में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सौदा? जरूर जरूर, शौक से कहो बेटा। होने वाले दामाद की न सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? गुस्ताखी माफ़ कबला, मैं आपका दामाद बनने के काबिल नहीं। क्या कहा? ठीक कर रहा हूँ अब्बा हजूर, आप मुझे दहकते हुए जहन्नम में धकेल सकते हैं, मगर ये शादी मुझे मंजूर नहीं। मंजूर नहीं? क्यों मंजूर नहीं? ये मेरी मर्जी का सवाल है अब्बा हजूर। तुम्हारी मर्जी खुदा की मर्जी नहीं बन सकती। जाओ आराम से बैठो जाकर। जाता हूँ, मगर जाने से पहले ये बताकर जाऊंगा कि मैं आपकी लड़की के साथ इंसाफ न कर सकूंगा। इंसाफ? जी हाँ, अगर आपको मेरी शादी नागवार गुजरी है तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अहमद, अहमद जी, तुझे क्या हो गया है बेटा? दिमाग फिर गया है, मगर मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। तुम इस कदर गुस्सा हो यह हमें मालूम ना था। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अब्बा हजूर का हुक्म सर आंखों पर, अब यह गुस्सा जिंदगी भर आपके सामने आने की जरूरत ना करेगा। अहमद, रुक जाओ बेटा। जाने दो, नहीं चाहिए हमें ऐसी नाफरमान औलाद। मेरे दोस्त, मैं इस नालायक की हरकत पर शर्मिंदा हूं और इस तकलीफ की माफी चाहता हूं। यास्मीन, 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 मेरी मोहब्बत की एक ही निशानी थी तेरे पास, तू इसे भी छोड़कर चली गई। फेरने वाले जमीन में हो
किसलिए डसके बहा रही है, किसे रो रो कर अपनी फरियाद सुना रही है? बेवकूफ लड़की, मैं तुझे जबरदस्ती अपना बनाकर छोड़ूंगा। मेरे बाजुओं में बला की ताकत है। तेरी तमाम ताकत एक कमजोर औरत के दिल पर फतह पाने के लिए बहुत कम है। देखा जाएगा। मैंने उस नौजवान के दिल में तेरे खिलाफ ऐसा नफरत का बीज बोया है कि वो जिंदगी भर तुझे ठोकरे मारता रहेगा। और मैंने उसे ये भी कहा था कि तू झूठी मोहब्बत जताकर हमारे लिए शिकार फांस कर लाती है। ओह, तो ये आग तेरी लगाई हुई है। इसलिए कि तू मेरी, सिर्फ मेरी। तूने मेरी मासूम मोहब्बत पर इल्जाम लगाया है। खुदा ने चाहा तो कुत्ते की मौत मरने वाला है। बकवास बंद कर, वरना मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। जाफर, तू यहाँ बातों में लगा है और हमें शाम से पहले पहले कस्बे में वापस जाना, और इस जमालों को यहीं छोड़ जाने का ख्याल है? चल रे, उठ, गधे पर सवार हो जा फौरन। जाकर बाकी तैयारी तो कर पहले, मैं इसे संभाल लूंगा। क्यों बे, मिजाज दुरुस्त हुए या नहीं? पड़ा रहा यहीं पर। जल्दी बैठ जा गधे पर, मैं अभी सामान लाद कर आता हूँ। देख रहे हो उन लोगों का जुल्म। अहमद ने मुझे बेवफा समझकर ठुकरा दिया था, मगर खुदा का शुक्र है कि तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। हो सके तो अहमद से हकीकत बयान कर देना और उसे कह देना कि मैं उसे भूल जाने की कोशिश करूंगी। ये छुरी तुम्हारी रस्सियां काटने में काम आएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारा घोड़ा तैयार करो फौरन। जमाल, इस खस्ता हालत में तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या बताऊँ छोटे हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं यास्मीन को छोड़ने जा रहा था कि बदमाशों ने हमला कर दिया, मुझे बांध दिया और यास्मीन को वापस लेकर चले गए हैं वो लोग। तो बदमस्ती फिर उसी जहन्नम में जा पहुंची। यास्मीन ने सच कहा था, वो मुझे बहुत याद आ रही है जमाल। वो भी आपके लिए तड़प रही थी छोटे हुजूर। हकीकत तो यह है, यास्मीन ने आपको धोखा नहीं दिया। ये तुम क्या कह रहे हो जमाल? कुदरत ने सब राज जाहिर कर दिया है मुझ पर। जाफर नाम का एक बदमाश शेखी बखार था, वहां यास्मीन से कह रहा था कि मैंने ही तेरे खिलाफ नफरत का बीज बोया है। छोटे हुजूर, मुझे इन कदमों की कसम है, वो लड़की बिल्कुल बेकसूर है और बेहद वफादार है। बचकर जमाल, बचकर। यास्मीन से कुछ वफा की पुतली है, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे गुमराह नहीं कर सकती। मालिक, छोटे हुजूर, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। घोड़ा लाओ फौरन। जमाल अपने मालिक पर जान कुर्बान करने में देर नहीं कर सकता। और मैं भी हजूर शेख को खबर करने में पीछे नहीं रह सकता। एक घोड़ा और लाओ फौरन। इस औलाद को हासिल करने के लिए हमने दरगाहों पर मन्नतें मानी थी, उसी औलाद ने जवान होकर जहर में बुझा हुआ भाला मारा है हमारी बूढ़ी छाती पर। काश हमने अहमद को पैदा होते ही गला घोंट कर मार डाला होता। मेरे सरदार, जोश पर आए हुए खून को ठंडा करने की जरूरत कसूर हमारा था। नादिरा का रिश्ता तय करने से पहले हमें अहमद की मर्जी जान लेने की जरूरत थी। अहमद की मर्जी जानना चाहती हो तो कलेजा थाम कर सुनो। तुम्हारा लाडला उस रक्कासा की मोहब्बत में फंस कर खानदान की इज्जत और आबरू का तिवाला पीटना चाहता। यह गलत, मेरा अहमद ऐसा नहीं कर सकता।
आपको धोखा हुआ है? यही धोखा आगे चलकर फांसी का फंदा बन जाएगा हमारे लिए। सलामती चाहती हो तो अहमद का ख्याल भी निकाल दो अपने दिल। यह कहना आसान है मगर करना मुश्किल। अहमद हमारा इकलौता बेटा है, आप माँ की ममता तो नहीं जानते। हमारा गुस्सा तुम्हारी ममता से ज्यादा जोश पर आया हुआ है। हम उस पर लगाम के पुर्जे उड़ाकर छोड़ेंगे, कुचल डालेंगे उसकी नापाक मोहब्बत को अपने घोड़े की चापों के तले। आला हजरत, आला हजरत, मुझे हुजूर के खेमे से कासिद आया है। फिर कासिद आया है, जरूर कोई मनहूस खबर लाया है, फौरन पेश हो। बंदगाने अली, अली रुतबा सुल्तान, खुदा के लिए छोटे हजूर की मदद फरमाइए। अब क्या नई मुसीबत टूट पड़ी है, बताओ जल्द बताओ। छोटे हजूर उसरा काशा की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हैं। महल में वापस आने के बजाय वो फिर कस्बे की तरफ चल दिए हैं। तो, उस मालायक के हाथों नाक में दम है हमारा, आखिर वो करना क्या चाहता है? अपनी जान की बाजी लगाकर वो उसे हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो उसे हासिल करे, हम उस नाफरमान का सर कलम कर डालेंगे। हमारा घोड़ा तैयार करो फौरन। जवानी के लिए जहांगीर चले आई हो, चले जाओ फौरन।
किसी ने पहचान लिया तो बोटियां नोच डालेंगे तुम्हारी। मैं बुलबुल नहीं, बहादुर हूँ। असर पर कफन बांध कर आया हूँ तेरे पास। बगैर सोचे समझे मौत को दावत देना अकलमंद नहीं है। मैं ये तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे। तुझ पर कुर्बान होने का नाम है जिंदगी। मुझे माफ कर दो यासमीन, मैंने तुझे गलत समझा था। बदगुमानी मोहब्बत की पहली निशानी है, मगर अब मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। वापस लौट जाओ और मुझे भूल जाने की कोशिश करो। ना मैं तुझे भूल सकता हूँ, अदा तेरी वफाओं को। तो वो आपदार होती है जिसकी मैं कदर ना कर सका। मुझे तुमसे शिकायत नहीं, अपनी किस्मत से गिला है। बिगड़ा हुआ मुकद्दर बहुत देर के बाद सवरता है, फिर सही। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकती। अब मैं पल भर के लिए भी तुझसे जुदा नहीं रह सकता। ऐसा बोलो, कोई सुनेगा? परवाह नहीं, जान दे सकता हूँ, लेकिन जुदाई का दाख लेकर न जाऊंगा। खुदा आप अपने दाम में सयाद फंस गया। खबरदार जो हिलने की कोशिश की। आबदारी है यहाँ जो कत्ल के सामान पर, उसको मैं कुर्बान कर दूंगा नए मेहमान पर।
अहमद अब्बाजू खबरदार हमारे करीब आने की जरूरत न करना, आज हमारा गुस्सा कहर बनकर टूटने वाला है तुम पर। नहीं नहीं, आप हकीकत को समझे बगैर ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में तनी हुई तलवार मुजरिम का सर काटे बगैर नियाम में वापस नहीं जा सकती। मुजरिम? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है अब्बा हजूर। तुमने हमें बेवकूफ बनाकर अपनी नापाक मोहब्बत का राज छिपाया है और यही सबसे बड़ा जुर्म है तुम्हारा। मेरी मोहब्बत पाक है अब्बा हजूर, मैं यास्मीन से शादी करना चाहता हूँ। शादी? और एक रक्कासा के साथ? तो आप इसलिए नाराज हैं कि ये एक रक्कासा है? मोहब्बत में सबका दर्जा बराबर है अब्बा हजूर, मैंने इसे जान पर खेलकर हासिल किया है। मत समझो कि बदमाशों पर फतेह पाने के बाद तुम्हारा रास्ता साफ है, एक भारी पत्थर एक मजबूत चटान भी तुम्हारा रास्ता रोके खड़ी है। अहमद आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये लड़की बेहद वफादार है। हम तुम्हें आखिरी बार हुक्म देते हैं, तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। ये नामुमकिन है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर यास्मीन को नहीं छोड़ सकता। तेरी ये हिम्मत ये मजाल, हम तुझे जान से मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं बाप बेटे में फूट का बायस न बनूं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा। अब्बा हजूर मेरी हालत पर तरस खाइए। तुम हमें शिकस्त दिए बगैर इस लड़की को हासिल नहीं कर सकते, खोई हुई इज्जत खून की कुर्बानी दिए बगैर वापस नहीं मिल सकती। संभाल अपनी तलवार। दिल बाप का शेर दिल बेटा मौत का फरिश्ता की पूरी फौज के साथ टक्कर ले सकता है मगर अब्बा हजूर के सामने ये तलवार उसके हाथ में सेब नहीं देती। अब मैं निहत्ता हूं अब्बा हजूर और यह हकीकत है कि मैं इस पाक दामन लड़की के बगैर जिंदा रहना अपने शान के खिलाफ समझता हूं। उनके कत्ल करने से अगर खानदान की आबरू बच सकती है तो ये फरहाज है। नहीं, हम एक शरीफ और बहादुर बेटे को मारकर अपने नाम पर बट्टा नहीं लगाएंगे। हम इस शिकस्त को भी अपनी शान समझते हैं। तुम्हारी सच्ची और पाक मोहब्बत ने आज हमारे फौलाद के बने हुए दिल को मोम कर डाला है। अब दुनिया कुछ भी कहे, हम तुम्हें अपने सीने से लगाकर छोड़ेंगे। अब बहादुर तुम इस कदर दिलेर हो, यह हमें मालूम न था। शुक्रिया। अब बहादुर मेरी महबूबा वो रही, थाम लो जाकर, अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। यास्मीन यास्मीन